आपको बस नॉर्मली बता सकते ना, कैसन कोनो का ऑपरेशन करके हम थोड़े देखे। हम ऑपरेशन करेंगे किसी का तो बेचारा 3 घंटा में मरे वाला आधा घंटा में मर जाएगा। हार्ट का ऑपरेशन सोचा बहुत महंगा होता है, 8 लाख 10 लाख बहुत होता है, लेकिन दुनिया में सबसे बेहतरीन ढंग से हार्ट का ऑपरेशन भारत में होता है और सबसे सस्ता होता है। इसलिए अमेरिका के लोगों को हार्ट का ऑपरेशन कराना होता है तो अमेरिका में हार्ट ऑपरेशन का पैसा कितना लगता है? तो अमेरिका में हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे तो 50 लाख रुपया लगेगा। कितना? 50 लाख रुपया। तो अमेरिका का आदमी जानते हैं क्या करता है? सोच रहा 50 लाख रुपया खर्चा करेंगे, वो क्या करता है 10 लाख रुपया लेता है और भारत में आता है। पहले वो क्या करेगा, 10 लाख रुपया लाएगा और 2 लाख रुपया खर्चा करेगा घूमने में। बनारस घूमेगा, दिल्ली आगरा कलकत्ता खूब अच्छा से घूम लेगा, और घूम लेगा तो दिल्ली में जाके 5 लाख रुपया देके ऑपरेशन कराएगा तो 5-7 लाख में हो जाएगा। तू कहता है कि ससुरा हम अमेरिका में ऑपरेशन कराएंगे तो 50 लाख रुपया लगेगा, भारत में आके ऑपरेशन कराएंगे तो 5 लाख 10 लाख में ऑपरेशनों करा लेंगे, घूम फिर भी लेंगे, एक नंबर है, टनाटन जहाज में बैठेंगे चल देंगे, जा सूर्य उतर गया। बराक ओबामा जब प्रधान वहां के राष्ट्रपति थे ना तो हैरान हो गए थे मेडिकल सेक्टर को देखकर। इसलिए अमेरिका भारतीय डॉक्टरों को बुलाता है, इंजीनियरों को बुलाता है, आओ हमारे यहाँ ऑपरेशन करो, तो भारत वाला दोनों ओर से पीटता है, वो जाके कमा रहा है सब। तो भारत वाला जाता है वहां पे, कहता है हाँ हाँ कमे में ऑपरेशन कर देंगे, अब भारत वाला इनका मन बढ़ते टाइम लगता है, देखता है उधर जॉन डिसूजा एक ऑपरेशन का 50 लाख ले रहा है, हम 40 लाख लेंगे, तो हुआ उसका बिजनेस चौपट किया। कोनो को और सस्ता कराना है तो भारत में आके करता है, बहुत अच्छा बात है। हम लोग की मेडिकल साइंस इतनी आगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इंडिया बहुत आगे है भाई, इसमें नो डाउट। देखो भगवान गरीबों के लिए सुनने के लिए भारत में बैठा है, यहाँ पर आपको सस्ते से सस्ता डॉक्टर मिल सकता है और बेहतरीन से बेहतरीन का शिक्षा आपको बहुत सस्ती भारत में मिल सकती है और स्वास्थ्य सुविधाएं, लेकिन करप्शनों से सुरा यहाँ पहुंच जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। थोड़ा सा दिल के ऊपर बिजली का झटका दिया जाता है, अभी ना कि सोच रहा ट्रांसफार्मर में से मटका बड़का 33,000 वोल्ट के लेके चलाओ, अगर कहाँ है कांसर आपको झटका लेना है लीजिए, आदमी उठ जाएगा। बहुत नॉर्मल झटका दिया जाता है, नॉर्मल जैसे आप देखे होंगे कहाँ कुछ नॉर्मल दिखाने लायक है, जैसे आप देखे होंगे ये जो बैटरी देख रहे हैं इसमें, इसको ऐसे जबान से टच कीजिएगा तो हल्का झनझन झनझन लगता है, ऐसा नहीं कि किसी को बहुत भयानक करंट मार देता है, हल्का झनझन आता है। तो वैसे ही हल्का सा करंट दिया जाता है धक से, तो दिल उठता है, ओ माई गॉड, अरे हम तो धड़क ही नहीं रहे थे, क्या कर रहा था रे डॉक्टर कहीं का, ये काहे खोला हुआ है फेफड़ा, छाती काहे खोला है रे मेरा, बनकर 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 धाए धाए दिल धड़कने लगता है, दहिना नीले बाया नीले, दहिना नीले बाया नीले, दहिना नीले बाया नीले, धड़कने लगता है, कह रहे डॉक्टर बनकर बनकर, कहीं का खोल दिया यहाँ से निकालेगा क्या जल्दी बनकर, तो धड़कने लगता है, तो डॉक्टर क्या करता है मशीन को हटाता है, हाँ मशीन हटा लो अभी चाचा चालू हो गए हैं, अभी धाए धाए धड़कने लगेगा, हाँ एकदम बढ़िया से धड़कने लगता है, धक 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 धक, मशीन हटा के उसको सीयू दिया जाता है, मरीज को कहता है चल निकल पैसा निकल 5 लाख जो यहाँ पे, समझ में आएगा कि नहीं? तो बिजली का झटका देना जरूरी होता है। अब जब दिल चीर दिए हैं, दिल को क्या कर दिए हैं, चीर दिए हैं, तो बहुत नॉर्मल झटका दिया जाएगा और सीधे दिलवे में सटा के देता है, धाए दे ले धाए से दिलवा जाग जाता है, हाँ धड़क धड़क धड़क। लेकिन कभी कभी इंसान का एक्सीडेंट होता है ना तो उसकी दिल की धड़कन रुक जाती है, लेकिन दिल की धड़कन रुकती है तो उसको दोबारा झटका दिया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक के लिए देखे होंगे मूवी में, ऐसे ऐसे लटा के यहाँ पे मारते हैं सर, धाक से मरीज उड़ता है। तो भाई बाहर से जब झटका देंगे ना तो थोड़ा सा तगड़ा देना पड़ेगा ताकि झटका अंदर लग सके। तो देखते होंगे मरीज एकदम कोमा में चला गया, कुछ नहीं कर रहा है, तो नर्स ले आएगी ऐसे छाती पे करंट लाएगी, ऐसे शॉक देगी, ऐसे उठे मरीज छटपटाएगा, फिर नहीं उठा, फिर देगा ऐसे ऐसे झटका, हाँ फिर उठ जाएगा, अरे बाप रे बाप क्या हुआ था जी, काहे बेहोश हो गए थे? तो बेचारा मरीज कहेगा अरे बाप रे क्या बताए, पत्नी मारी थी किचन में दौड़ा दौड़ा के, कई फाइट मारी किचन में, बेलना चौकी तोड़ दी, हार्ट अटैक हो गया था, थैंक यू डॉक्टर साहब आप बचा लिए। उधर पत्नी रोएगी अरे बाप रे हमें मार दिलो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? दिल पे कभी कभी झटका देना जरूरी होता है। मान के चलिए कोई पागल हुआ है, उसको डॉक्टर कहना है बिजली का झटका दो, कहाँ झटका दे देंगे, कहीं नहीं ना देंगे, क्या कुछ नाभी में ऐसे ढोड़ी में बिजली का झटका दे दिया, तू पागल हुआ झटका देना नहीं ना होगा, जहां पगलाया है वहीं ना झटका दीजिएगा, तो यहाँ झटका दिया जाता है। देखते हैं पागलखाना में, आप लोग को भी शादी बाद इस सब की जरूरत पड़ती है, हार्ट अटैक हो गया, बीपी का बढ़ना हो गया, पागल का दौरा हो गया, ये कुंवारे लोगों को नहीं होता है, शादी के बाद ही सब होता है, ये सब चीजें शादी बाद होती है। लेकिन कम से कम शादी बाद ये तो फायदा होता है कि मच्छर नहीं काटते हैं, जिसकी शादी हो जाती है उसे मच्छर नहीं काटते हैं,
क्योंकि मच्छरों को पता है कि अब परमानेंट खून चूसने वाली आ ही गई, अब इसके पास खून ही कितना बचेगा, सब तो वही चूस जाएगी, तो छोड़ो अब हम लोग दूसरा शिकार खोजते हैं। लड़की जब गुजिया जाती है, दिल को क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, काफी महंगा पड़ता है, तो उसका दिल निकाल लिया जाता है और इसमें लगा दिया जाता है, ये धड़कने लगता है, समझा गया, ये काफी महंगा पड़ता है। सस्ता इसको कैसे किया जा सकता है, भारत में जितने हरामी टाइप के लोग हैं, जैसे किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिए, गैंगरेप कर दिए, देखते हैं बेचारी दिल्ली में निर्भया कांड, प्रियंका रेड्डी हैदराबाद में, ऐसे दरिंदों को सर काट देना चाहिए, चीर के उनके शरीर का किडनी, लंग्स, लीवर, हार्ट सब निकाल लेना चाहिए। अगर इन हरामियों को काट काट के इनका पूरा शरीर निकालेंगे तो भारत में किडनी है आलू प्याज के भाव हो जाएगा, फिर कोई अच्छा इंसान हार्ट का मरीज, किडनी का मरीज ऐसे नहीं मरेगा। इन हरामियों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। भाई साला तुमको कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पड़ता है ससुरातुन, हम तो कटवा देते खड़े, कोई बेहोश होश भी मत करो, कहोगे रुक रुक ससुरातुन, बांध के ओकरा सामने में चीरो, देख देख तोर किडनी निकाल रहे हैं, देख चोट्टा कहीं का, ये ना तोर किडनी है, लगेगा किसी में, और उसको दान कर दीजिए कहीं का। बहुत खराब लगता है यार, जला के मार दो, रेप कर दो, दहेज के लिए देखते हैं कि लड़की सबको, मतलब क्या बताए यार, बहुत खराब चीज है, अले सब दहेज।